केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है कंबशन। क्या है? कंबशन। सॉरी, पहला कंबशन हो गया है, अब ओपन कर दिया क्या? चलिए, दूसरा है हमारा ऑक्सीडेशन। क्या है करना हमें? दूसरे प्रॉपर्टीज है ऑक्सीडेशन। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में होते हैं, डायटोमिक होते हैं, लेकिन यहां हमें सिंगल ऑक्सीजन जोड़ना है, सिंगल ऑक्सीजन जोड़ना है, तो मुझे कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाना पड़ेगा जो मुझे क्या प्रोवाइड करे, सिंगल ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। तो आप मुझे बताइए किसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हम लोग? इथेनॉल का, C2H5OH का। किसके प्रेजेंस में? सिंगल ऑक्सीजन चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्यों नेसेंट का मतलब होता है हाईली रिएक्टिव। क्या बोलते हैं हम लोग? नेसेंट। अब हमें सिंगल ऑक्सीजन प्रोवाइड कौन करेगा? कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करेगा। तो हमें वो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में जानना है जो हमें सिंगल ऑक्सीजन क्या प्रोवाइड क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एल्केलाइन KMnO4। क्या है? एल्केलाइन KMnO4। KMnO4 को जानते हैं आप लोग, पोटेशियम परमैंगनेट। एल्केलाइन मैं पूरा लिख देता हूं, नाम ही लिख देते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट। मैंने आपको आयंस में लिखवाया था पर मैग्नेट आयन MnO4-। तो आप बताइए अल्कलाइन, वो अल्कली वो बेस होता है जो वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाता है। तो हम लोग अल्कली में क्या ले सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड या आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। साथ में किसको लेना है? पोटेशियम पर मैग्नेट को। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक, आप ये क्या है आपका, ये दोनों क्या है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये इसका नाम हो गया। अल्कलाइन क्यों बोला? क्योंकि हमने वो बेस डिजॉल्व मिलाया था जो उसमें इजीली डिजॉल्व हो सकते हैं। दूसरा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आपको डाइक्रोमेट आयन और पोटेशियम आयन दोनों का फॉर्मूला, मैंने आयंस का फॉर्मूला लिखवाया। एसिडिफाइड मतलब एसिड मिला के लेना है, तो हम यहाँ एसिड लेते हैं H2SO4। क्या लेते हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है आपका फॉर्मूला? बोलो K2Cr2O7। आप इन दोनों में से कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? सिंगल ऑक्सीजन। क्या प्रोवाइड करेगा? सिंगल ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। अब ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यह तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको याद ही करना है, लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक देता हूँ याद करने के लिए। देखो ऑक्सीजन कभी आएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1, तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है? 1। तो आप कुछ ऐसे समझो कि ऑक्सीजन कुछ मोटा सा आदमी है, उसको कितने चेयर चाहिए बैठने के लिए? 2 चेयर चाहिए, और दोनों लगातार वाला चाहिए। ठीक है, तो अब इसके पास आएगा तो पहले इस हाइड्रोजन के पास आया, क्या इसको हटा पाएगा? नहीं। क्यों नहीं हटा पाएगा? कि उसको 2 चेयर चाहिए, इसके पास एक ही है। क्या इसके बगल वाले के पास हटा पाएगा? हटेगा। तो हाइड्रोजन को हटा दो, हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, तो बचा क्या कंपाउंड? बचा मेरे पास CH3CH2 था ना, H2 के बदले कौन लाया हमने? O लाया है, और OS तो हमारा था ही, और H2 और यहां से एक और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेता है? वाटर बना लेता है। इसको मैं बैलेंस कर देता हूं। ये समझ में आपको? आपको इन दोनों हाइड्रोजन के बदले क्या लगाना है? ऑक्सीजन लगाना है। अब इसका नाम तो आप लोग जानते हैं, पहले IUPAC नेम बोल दो, क्या बोलेंगे? इथेनॉल। कॉमन नेम भी बोली दो, क्या बोलना है? इथाइल अल्कोहल। अब ये जो ऑक्सीडाइज होकर जो प्रोडक्ट बना है वो तो आप जानते होंगे, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। IUPAC नेम कैसे लिखते हैं? पहले क्या लिखते हैं? इथेन, फिर क्या हटा देते हैं? ई, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या जोड़ेंगे? ओइक एसिड। इसका नाम क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम बता देना आप लोग, क्या जानते हैं? एसिटिक एसिड। ये समझ में आपको ट्रिक? ठीक, पॉज कर देना।